સુરતના ખટોદરા વિસ્તારમાં વીમા એજન્ટના ખાતામાં 3 કરોડનો વ્યવહાર થયો. એકાઉન્ટ હોલ્ડરના જાણ બહાર વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો. એજન્ટના ડોક્યુમેન્ટનો દુરુપયોગ કરીને બેંક મેનેજરે સેવિંગ ખાતું ખોલ્યું હતું. વીમા એજન્ટ બીજી બેંકમાં એકાઉન્ટ ખોલાવવા માટે જતા મામલો સામે આવ્યો હતો. ખટોદરા પોલીસે HDFCના મેનેજર વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસે HDFC મેનેજર સંદીપ રાખેચા અને રજત શેઠિયાની ધરપકડ કરી છે. एक अखिलेश कुमार रणजीत यादव जो कि पांडेसरा के रहने वाले हैं, उन्होंने आके कंप्लेन की कि उनके डॉक्यूमेंट यूज़ करके और HDFC बैंक के सोशियो सर्किल ब्रांच में 2 अकाउंट खुले हैं. एक सेविंग अकाउंट है जो उनके नाम पे है और दूसरा एक विरासत टेक्सटाइल करके एक कंपनी खड़ी करके और उसके नाम पर एक करंट अकाउंट खोला गया है जिसमें भी उनके फोर्ज डॉक्यूमेंट यूज़ किए गए हैं. तो जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो जो चीज़ें सामने आई, जो अखिलेश है उनका एक मित्र है पुनीत पांडे करके, पुनीत पांडे का दोस्त है रजत. ये रजत जो है वो इंडिया मार्केट में कुर्ती बेचने का इसका दुकान है, वहाँ पे ये काम करता है. और ये रजत है, इसका दोस्त है संदीप गुमानमल जो HDFC बैंक की इस ब्रांच में सेल्स मैनेजर है. तो रजत को वहाँ पे इंडिया मार्केट में एक मिलन जैन नाम का व्यक्ति मिला जिसका भी कुर्ती का वहाँ पे शॉप है और उसका उसके अलावा असम में भी कारोबार है ये कुर्ती का ही. तो मिलन ने रजत को बताया कि मुझे अकाउंट चाहिए यूज करने के लिए जिसके बदले में मैं 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में पे कर दूँगा. तो रजत ने अपने दोस्त पुनीत को बताया और पुनीत ने ये बात अखिलेश को बताया और अखिलेश के डॉक्यूमेंट से एक उसका सेविंग अकाउंट खोला. बाद में एक फर्जी कंपनी विरासत टेक्सटाइल के नाम से इन लोगों ने खड़ी की, उसका अकाउंट खोला और इन दोनों अकाउंट में लगभग 3 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन किया एक साल के अंदर. अभी सितंबर 2023 से उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, उससे पहले एक साल के अंदर लगभग 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन उसमें हुआ जिसमें जो बड़े ट्रांजैक्शन थे उनको हमने वेरीफाई किया. तो एक चौहान कंसल्टेंसी है उसका, उसके नाम पर काफ़ी पैसा ट्रांसफ़र हुआ था. दूसरा एक राम ट्रेडिंग है उसके नाम पे काफ़ी पैसा ट्रांसफ़र हुआ. ये दोनों जगह को एड्रेस को हमने वेरीफाई किया तो यहाँ पे दोनों जगह पे ही ऐसी कोई कंपनियाँ एग्जिस्ट नहीं करती है. तो प्राइमा फेसी इसमें 4 आरोपी जो हैं उनका नाम FIR में दर्ज किया गया है. संदीप गुमानमल राखिया ये HDFC बैंक सोशियो सर्किल ब्रांच के सेल्स मैनेजर हैं. दूसरा रजत संजय भाई सेठिया जिसने डॉक्यूमेंट लिए थे और डॉक्यूमेंट को फोर्ज करने में मदद की. तीसरा मिलन जैन है जिसने ये अकाउंट खोला और उसमें ट्रांजैक्शन करवाया. और चौथा आदमी है जिसका नाम साहिब है. इसका पूरा नाम और सरनामा अभी अवेलेबल नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है. और इन 4 में से 2 आरोपी जो हैं, एक रजत संजय सेठिया और एक बैंक का सेल्स मैनेजर संदीप गुमानमल राखिया, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है और बाकी 2 की अभी तपास चालू है.